हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और उसका फुल डिटेल वर्जन जानेंगे, फुल डिटेल तरीका जानेंगे उसको सही से करने का। तो जानने से पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे का रेड बटन दबाकर और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। कुछ लोग तो सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को दबाना भूल जाते हैं, तो आप बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले ये जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो देखने के लिए आप मेरा कोई भी वीडियो देखने के लिए, चाहे मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मतलब एग्जाम से रिलेटेड, तो आप पहले सबसे पहले यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे हमारे इस चैनल को और क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे चैनल खुल जाएगा। ये देखिए, इसका हेलोग्राम है और फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस चैनल पर। ये देखिए, आपने क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही देखिए सारे वीडियोस हमारे चले आएंगे। और पूरा वीडियोस देखने के लिए आप वीडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, देखिए सारे वीडियोस चले आएंगे। अब आप कोई भी वीडियो जाकर आसानी से देख सकते हैं, जो भी आप देखना चाहें, रेलवे से रिलेटेड हो, यूपीएससी से, किसी भी। और यहाँ पर सबसे नीचे देखिएगा लोड मोर का ऑप्शन है, तो इस लोड मोर के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो और दूसरे वीडियो चले आएंगे। ये देखिए, हेल्थ पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, कोई भी वीडियो आपका यहाँ आसानी से मिल जाए, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कैट से एमबीए का हो, कोई भी। फिर लोड मोर पर क्लिक कर देंगे तो फिर ढेर सारे दूसरे वीडियोस चले आएंगे, तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको और भी दूसरी चीज़ें मिल सकती हैं, ढेर सारे वीडियो का कलेक्शन मिल जाएगा। देखिए, जैसे ये मेमोरी से रिलेटेड है तो यहाँ पर जाएंगे तो करीब 9 वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत ही। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ वीडियो के बारे में जानकारी कि कैसे आप वीडियो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपने टॉपिक पर आता हूँ कि हम अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, क्या तरीका अपनाना कर हम उसको स्ट्रांग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में तो ऐसे कई सारे पार्ट होते हैं, एनालिटिकल भी होता है और केमिस्ट्री होती है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और उसी में एक पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बुक्स में जनरली ये बीच में दिया रहता है, पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री दिया रहता है बुक्स में, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया रहता है और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया रहता है। तो एक ही बुक में जो सारे तीनों चीज़ें रहती है वो इस ढंग से रखी जाती है, कम से कम 11वीं 12वीं के स्टैंडर्ड में या कंपटीशन की तैयारी में तो ऐसे ही होकर रखी जाती है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप पर कमांड करने के लिए कम से कम आपको तो उसके पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, उसकी एस ग्रुप के एलिमेंट, पी ग्रुप, डी ग्रुप के एलिमेंट, इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए और कुछ इसकी फंक्शनलिटी भी पता हो। अब ऐसा ना हो कि मतलब आपको उसको पढ़ने चले जाएं और कापर के बारे में कुछ चला आए तो, और कापर कहाँ है, किस ग्रुप में है, कुछ पता ही नहीं, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। और जैसे कि मान लीजिए कि आपको यस ग्रुप के एलिमेंट याद करने हैं तो उसमें आपको जो हो गया, जैसे कि ओ हलीना करबी सस्फर और फिर ये बेमजा सरबरा, फिर आपको जैसे कि पी ग्रुप के कुछ एलिमेंट और ससी जैसन पब नप शब्बी नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मत ऐसे जो होता है उसको नपस सब भी करके याद कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ याद करने के टिक्स है और ट्रिक्स हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और प्रैक्टिस चाहिए आपको याद करने से रिलेटेड। तो आप जैसा कि मैंने बताया कि मेमोरी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उनको, तो हो सकता है कि आपकी मेमोरी पावर कुछ अच्छी हो जाए और कुछ क्या बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप इसको याद कर लेंगे पीरियोडिक टेबल को तो बहुत ही बेनिफिट में रहेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही होता है कि पीरियोडिक टेबल मस्ट बी रिमेम्बर्ड एट एनी रेट, क्योंकि बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आपको बीच बीच में चले आएंगे, बहुत ही ज़रूरत पड़ जाएगी आपको एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक वेट की। सपोज कह दीजिए कि आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ गई और एटॉमिक वेट की जरूरत पड़ गई। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक वेट होता है 12, तो आप उसको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप क्या लिखेंगे, उल्टा का सीधा सब लिख कर चले आएंगे और थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा।
तो ये ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा, या आपको कोई बड़ी टॉपिक चलती होगी उसमें एक छोटे तौर पर आपको कार्बन एलिमेंट के तौर पर आपको उसके एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उस समय कुछ आपको इस तरह से पता होनी चाहिए। और जो थोड़े स्मार्ट एलिमेंट है, जैसे आपके आपके हो गया आपका कॉपर एलिमेंट हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पता होगा, कुछ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी जिसको कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, तो उसका थोड़ा सा बड़ा एक्सेप्शनल रहता है, थोड़ा नॉर्मल ढंग से नहीं रहता है, तो उसको थोड़ा सा माइंड में सेट होना चाहिए। और माइंड में सेट क्या होना चाहिए, वो एक तरह से याद ही हो जाए तो बढ़िया है कि भाई अंतिम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, तो इस तरह से मतलब चीज़ें पती होनी चाहिए। अब यस ग्रुप के एलिमेंट को पी ग्रुप और डी ग्रुप का एलिमेंट काफ़ी बड़ा है, उसमें ढेर सारे एलिमेंट हैं, और तो मैं तो नहीं कहूँगा कि लेंथेनाइट एक्टिनाइट भी आप याद कर लीजिए, लेकिन डी ग्रुप के एलिमेंट को कम से कम आप याद कर ही लीजिए, तो बहुत ज़्यादा जो नीचे के जो एक्टिनाइड वाले हैं उसको छोड़ देंगे आप, लेकिन जो कॉपर ये सब दुनिया भर के हैं एलिमेंट, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हैं उनको याद कर लीजिएगा, ग्रुप में उनकी पोजीशन क्या है। देखिए एक पीरियोडिक टेबल आप लाइन से याद कर लेंगे तो आप उनकी पोजीशन भी अच्छी तरह से बता देंगे, वैसे तो कितने लोग हैं मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के द्वारा भी आप बता देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे या एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल कर उसका पीरियड कितना है, तो उसका ग्रुप कितना, कौन से ग्रुप में है ये पता कर लें। तो उसके लिए है कि भाई फटाफट रिजल्ट देना हो भी माइक्रो सेकेंड में आपको रिजल्ट देना होता है, सटासट रिजल्ट देते जाइए और सॉल्व करते जाइए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेने का मतलब हो गया कि आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, और जो क्वेश्चन खुद छूट जाएंगे तो भाई आपके रैंक कुछ कम आए जाएंगे और फिर आपकी वो तलाश पूरी नहीं हो पाएगी जिस तलाश के लिए आपने मिशन अपना जारी किया है। तो हाँ, यही कहने का मतलब है कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से पता हो जानी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप ढेर सारी बुक मत फॉलो कीजिए, कुछ ही बुक फॉलो कीजिए, और लोगों को देखकर मत फॉलो कीजिए कि आपका फ्रेंड्स ये बुक फॉलो कर रहा है तो आपको भी फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो फॉलो कर रहा है उस बुक्स को, अगर उस बुक्स को फॉलो कर कर आप भी सही फील कर सकते हैं तब लीजिए, ऐसा नहीं कि वो भाई से हो सकता है, हर आदमी का स्टैंडर्ड कुछ अलग होता है, थिंकिंग एबिलिटी अलग होती है, माइंड सेटअप अलग होता है, उसको बुक पसंद आ गई हो गई उसके तो उसके लिए ठीक है, हो सकता है वही बुक आपको पसंद ना आए और फिर उसको आप ज़बरदस्ती पढ़ते रहें तो इससे हानि के सिवा आपका कुछ नहीं मिलेगा। तो वही बुक्स फॉलो कीजिए जो थोड़ा आपको दिखने में सही लगे, लगे कि हाँ ये बुक मेरे लिए फिट है, तो ये नकल करके नहीं, या टीचर कोई ज़बरदस्ती कह दे कि ये बुक बहुत ही बढ़िया है इसको जरूर से जरूर लेना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है भाई, उस टीचर को अच्छा लगा उसने कह दिया, अब आपको अच्छा लगे आपको समझ में आए ये भी तो ज़रूरी है, क्योंकि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हज़ारों किताबें हैं, एक से एक कठिन लैंग्वेज में किताबें लिखी गई हैं, आप कितने लोग को उसमें कुछ अच्छा लगता है किसमें कुछ अच्छा लगता है, तो आपके पसंद पर वो चीज़ें खरी उतरें ये भी ज़रूरी है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। और एक बात और कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कुछ आता है तो आपको इंटरेस्ट बिल्ट होता है, ये नेचर है इंसान का, तो ऐसा नहीं कि आपको उसमें बहुत कुछ ज़्यादा आने लगे और आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ते चले जाएं, इससे नुकसान ये होगा कि आप तो पढ़ते चले जाएंगे, आपको आता जाएगा, आपको लगेगा कि मैं इसमें मास्टरी गेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको दूसरे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग देने या बहुत ज़्यादा आपको उसमें एडवांस होने से आपको बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तो मतलब एक है एक एवरेज तरीके से चलिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही पढ़िए, नॉलेज के लिए मत पढ़िए, अब अपने टारगेट के लिए पढ़िए। अब जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको बस चीज़ें आती रहती हैं, समझ में आती रहती है, क्यूरोसिटी बढ़ती जाती है, क्यूरोसिटी बढ़ती जाती है तो आपस में और ज़्यादा चलने लगते हैं, और यही वजह है कि भाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, आप टारगेट से हट जाते हैं। तो ये मत देखिए कि आपको कितना आता है, कितना आने के बाद अपने दोस्तों में आप उसे शेयर कर कर आप उनके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, हावी हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, इससे आप टारगेट से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एक सही तरीके से चलिए ताकि आपका टारगेट मिस ना हो, मिस मैच ना हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छी तरह से पढ़ें, और इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद ही करने वाली होती है, समझने वाली तो बहुत ही कम होती है। तो अगर देखिए समझने की बात की जाए तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा समझा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उससे थोड़ा सा कम समझा जाता है, मतलब उसमें भी हल्का याद करने वाली चीज़ें रहती हैं लेकिन
समझना भी रहता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर चीज़ें आपको याद ही करने वाली रहती हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं, तो आप अपने आप को मैनेज कर कर चलिए इस फील्ड में। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक और बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको समझने में सहूलियत हो, आसानी हो। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ, कुछ लेटेस्ट खबरों के साथ रिलेटेड विद द स्टडी। टिल देन गुड बाय। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि नॉलेज उनके पास भी पहुँचेगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।